It's my pleasure that I am sharing with you our online teaching learning process in English. बच्चों, आप सबका स्वागत है. आज हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं. कुछ दुविधाएं हैं, कुछ संकट हैं, कुछ परेशानियां हैं, जिसके कारण हम क्लासरूम टीचिंग की बजाय, जब तक ये एक एपिडेमिक की स्थिति है, क्यों ना हम आपस में विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्यों ना हम जुड़ जाएं कि जिससे कुछ सीखें, करें, पढ़ें, आगे बढ़ें. व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश लर्निंग, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज एज अ फॉरेन लैंग्वेज, आपको पता है ना, इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक देशी भाषा है. तो इसको समझने के लिए हमें बेसिकली तीन चार बातों पर ध्यान देना होगा. विल हैव टू कंसंट्रेट अवर सेल्फ ऑन फोर कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स. और यू मे टॉक अबाउट फोर टाइप ऑफ प्रोफिशिएंसीज, चार प्रकार की विधाएं हमने सीखनी है. पहली विधा जो एक भाषा को सीखने के लिए होती है, दैट इज लिसनिंग. If we want to learn about a language, specifically of a foreign language, we should learn how to listen and comprehend it. कि हम कैसे इसको सुने, हमें सुनना आना चाहिए, और सुनकर के, सुनने का मतलब है हमें सुनकर के समझ में आ जाना चाहिए. Second, it is speaking. देखिए बच्चों, लिसनिंग का अपने आप में कोई महत्व नहीं है. इसका महत्व तब है यदि हम सुन करके कुछ समझें और फिर उसका उत्तर भी दे सकें. वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्फ, वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, वी कैन एक्सप्रेस आवर इमोशंस, राइट. हमें बोलना भी आना चाहिए. जहां हम सबसे अधिक कम अपने आप को पाते हैं, और यूं कहिए कि भाई हम भाषा के जिस विधा में, भाषा के जिस स्वरूप में सबसे अपने आप को पिछड़ा हुआ समझ रहे हैं, वो हमारी स्पीकिंग है. थर्डली, वी शुड आल्सो लर्न रीडिंग. हमें पढ़ना भी आना चाहिए, और पढ़ने का मतलब क्या है कि पढ़ करके समझ में आ जाए हमारे. जहां से हम, अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड भी आए, बिना उसके डिक्शनरी खोले, बिना उसके देखे, हम उसको समझ सकें, उसके कंटेंट को. व्हाट्स द कंटेंट इन दैट टेक्स्ट, उसका मतलब है रीडिंग. और रीडिंग जिसको हम दो रूप में कह सकते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग. एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग दोनों ही हमारे भाषा के महत्वपूर्ण पहलू हैं. और चौथी बात हमें आना चाहिए, राइटिंग. और आप कहेंगे कि सर आप हम ये क्या बताने लग गए हैं, ये क्या शुरू कर दिया. मैं आपके साथ आज इन, क्योंकि पहला दिन है आप किसके साथ जुड़ने में, मैं आप चाहूँगा कि आप समझ लें कि यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश आपको आए, यदि आप चाहते हैं कि आपके समझ में आए कि इंग्लिश क्या है, कैसे सीखें, कैसे बोलें, कैसे हम इसको फॉलो करें, तो हमें निश्चित ही हमें ये चार बातें आनी ही चाहिए. तभी समझो कि हमने लैंग्वेज सीखी है, हम कुछ समझ पाए हैं. अदरवाइज अगर हम लिसन नहीं करेंगे, किसी की बोली हुई बात को सुनेंगे नहीं, स्पेसिफिकली व्हेन द पर्सन हु इज स्पीकिंग टू अस इज ऑब्जर्विंग ऑल द स्टैंडर्ड ऑफ RP's रिसीव प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश, हम पूरी तरह से उनको समझें कि ठीक प्रकार से बोली हुई बात को सुने. किसी, जैसे हम हिंदी की बात करते हैं, हम अपनी मातृभाषा की बात करते हैं, हम किस मातृभाषा की बात करते हैं, हम हरियाणवी तो हमारी मातृभाषा तो है, लेकिन वो हिंदी नहीं है. हम
पंजाब में बैठे हैं, हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी नहीं है। हिंदी की जब स्टैंडर्ड की बात करें तो हम ये कहेंगे कि वो भाषा जो इलाहाबाद के आसपास बोली जाती है, दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड हिंदी, उसका स्वरूप। ऐसे ही जब इंग्लिश की बात करें तो वो स्वरूप हमारे सामने आना चाहिए विच इज स्पोकन इन द सदर्न पार्ट ऑफ लंदन, जिसको हम RP भी कहते हैं, रिसीव प्रोनंसिएशन। वो भाषा जब हमारे सामने कोई बोलेगा, जिस रूप में बोलेगा, जिस डायलेक्ट से बोलेगा, जिस स्वरूप में बोलेगा, जब उस भाषा को हम सुनने में सक्षम हो जाएंगे, दैट्स कॉल्ड लिसनिंग। हम सुने और उसको समझें कि इसने क्या कहा है, एंड आफ्टरवर्ड वी शुड बी एबल टू स्पीक इट। हम अपने हमारे अंदर जो विचारों का स्वरूप बनता है जब हम उसको व्हेन वी स्टार्ट इटिंग स्पीकिंग इंग्लिश, तब हम समझें कि हाँ हमें इंग्लिश आ गई है। कुछ बच्चे मैंने देखा है कि बहुत सा पैसा खर्च करके वो आईलेट के लिए इधर उधर भागते हैं, और उन इंस्टीट्यूशन में जो केवल पैसा कमाने के लिए बैठी हैं उनको में एडमिशन ले लेते हैं, जबकि वहाँ पर आई हैव सीन माई सेल्फ दैट पीपल देयर डू नॉट नो हाउ टू स्पीक स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड हाउ टू इवन अंडरस्टैंड दैट, दे आर नॉट एबल टू डू दैट। हम यहाँ पर इस ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा उन बच्चों के लिए भी सहायता प्रदान करेंगे, जो बच्चे आईलेट की तैयारियों के लिए जूझ रहे हैं, जिनके बड़े बड़े सपने हैं कि वो फॉरेन में जाएं, एडजस्ट करें अपने आप को, या कोई फॉरेन सर्विसेज में कोई अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता है फ्यूचर में। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये ऑनलाइन लर्निंग जो होगी बहुत, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर देम ऑल्सो। तो नेक्स्ट हमारी रीडिंग की बात है। रीडिंग में हमारे पास आता है कि अनसीन पैसेज की रीडिंग और टेक्स्ट बुक रीडिंग। टेक्स्ट बुक में भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, मैं इंट्रोडक्टरी रूप में आज से आपसे बात कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में हमारे पास एक तो है वो रीडिंग जो जिसको हम कहते हैं कि ये टेक्स्ट बुक रीडिंग है, ये कंपल्सरी रीडिंग है, ये रीडिंग है कि हम विद इन लाइन्स हमें पढ़ना चाहिए, हमें हर बात जो उसमें कंटेंट है, जो उसमें ग्रामर है, जो उसमें सिंटैक्स है, वो सारा का सारा हमें समझ में आना चाहिए, उसकी वोकैबुलरी हमें समझ में आनी चाहिए। और एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसको आप सप्लीमेंट्री रीडिंग के भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री रीडिंग हमारे लिए एक जॉयफुल अप्रोच है। हम कभी भी किसी प्रमाण, एक फॉर एग्जांपल हम अखबार पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश का, हम कोई सफ़र में जा रहे हैं कहीं, हम कोई ऐसी बुक लेकर के पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश की जो रास्ते में हमारे लिए एक जॉयफुल एडवेंचर होगा, तो इस रूप में भी हम जो पढ़ी जाती है उसको कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग या सप्लीमेंट्री रीडिंग। एंड When we talk about learning the language, हमें ये पता होना चाहिए कि that we should be able to have a proficiency, have a competency in learning how to read intensively and how to read extensively or for learning reading for enjoyment. तो ये भी हमारे पास एक भाषा का स्वरूप आता है। और चौथा स्वरूप है हमारे पास writing. When we talk about writing, बड़ी मज़े की बात है, यद्यपि मैंने इन क्रम में सबसे पीछे लिखा है इस प्रोफिशिएंसी को, इस विधा को, इस बात को सबसे पीछे लिखा है कि हमें राइटिंग भी आनी चाहिए, पर देखिए क्या चमत्कार है कि हमारे सारी की सारी हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो अचीवमेंट है, उसकी सारी की परख हमारी राइटिंग के आधार पर होती है। Writing creates a level of learning for people and it determines the level of learning for our students. हम एग्जाम में लिखते हैं, लिखने के बाद उसके एग्जामिनर उसके मार्क्स देता है, और उस प्रकार उसके बाद हम ये समझते हैं कि जितने हमने नंबर लिए हैं हमें ज़्यादा आती है। It means writing has a very important role in our टीचिंग लर्निंग प्रेस, स्कूल टीचिंग लर्निंग प्रेस प्रोसेस, आर इवन कॉलेज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वेयर एज दिस इज द लास्ट प्रोफिशिएंसी इन लर्निंग अ लैंग्वेज। आई हैव रिटन दीज फोर प्रोफिशिएंसीज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, एंड ऑल दीज आर टू बी फॉलोड इन दिस
same order. First we should learn how to listen, then we should learn how to speak, then we should learn how to read, and then afterward we should find ourselves able to write. When we talk about writing, I have already told you, our assessment, our appraisal is made on the pattern how we are able to write, and how better and how skillfully we are able to write. This is the only criterion we have. अब ये तो थी एक जो लैंग्वेज की बेसिक बात बताई, और मैं आपको ये I assure you that in this online learning process, I'll certainly make you to be a proficient, to be able to learn how to listen, to learn how to speak, to learn how to read, and to learn how to write. And no one would think it better anywhere than here in at this platform. Secondly, अब हम आते हैं दूसरी बात पर, इंट्रोडक्शन पर. जो हम कहते हैं कि हमने किस चीज़ की तैयारी करनी है, हमारे स्कूलों में किस चीज़ की पढ़ाई होती है इंग्लिश के बारे में, तब हम ये देखते हैं कि हमारे पास चार बातें हैं जो हमने पढ़नी है, जो हमारा बोर्ड का सिलेबस, चाहे वो CBSE का हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड का हो, बोर्ड का सिलेबस किन चार बातों को हमें से चाहता है कि हम सीखें. आइए चलते हैं. वो पहली बात है कि राइटिंग स्किल, आइए हम उसी को देखें. पहली बात है कि राइटिंग स्किल हमें आनी चाहिए, और इस पर बहुत महत्व डाला जाता है राइटिंग स्किल पर. दिस इज व्हाट वी शुड बी एबल टू लर्न, हाउ टू राइट, व्हाट आर टू राइट, क्या क्या चीज़ें हमें लिखने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है हमसे, what are we are to be expected by the board, by any board or by the examiner. वो बातें हैं, बेसिक छः बातें हैं जो हमें लिखनी आनी चाहिए. पहली है, फर्स्ट इज नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग जो हमें नोटिस लिखना आना चाहिए, ये चाहे हरियाणा बोर्ड की बात है, चाहे CBSE की बात है. फ्रॉम 9 to 12 वी आर एक्सपेक्टेड एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न हाउ टू राइट अ नोटिस. कैसे नोटिस लिखा जाना चाहिए, कैसे एक नोटिस लिखा जाता है. दूसरी विधा है जो हम जिसको कहते हैं बेसिक कंसेप्ट है, वो है कि हाउ टू राइट एन एडवर्टीजमेंट. देखिए मजे की बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये. हमें सीखना है कि एडवर्टीजमेंट कैसे लिखी जाती है. अब आप कहेंगे जी ये क्या, इसका क्या लाभ है हमारे लिए. आज के समय में जब हम कहते हैं ना कि ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेशनल कमर्शलाइजेशन है, सारा कुछ किसके आधार पे, इस एडवर्टीजमेंट के आधार पर. और आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जान करके कि एडवर्टीजमेंट फ्रेमर जो है, एडवर्टीजमेंट डिज़ाइनर बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं. अगर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को सही एडवर्टीजमेंट लिखनी आती है, तो समझो वो घर बैठे ही हजारों लाखों की बात नहीं है, करोड़ों रुपये कमा सकता है हर महीने, करोड़ों रुपये, इफ़ ही इज एबल टू राइट एडवर्टीजमेंट्स. और बोर्ड भी हमसे आशा करता है कि हर बच्चे को एडवर्टीजमेंट राइटिंग आना चाहिए. एडवर्टीजमेंट राइटिंग मीन्स ऑल सोर्ट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी रेंट और मैट्रिमोनियल्स और एनी सोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग और एनी सोर्ट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, वो सारी एडवर्टीजमेंट इसमें आ जाती हैं. थर्ड जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है
लेटर राइटिंग सॉरी इससे पहले एक हम क्योंकि हम सिंपल टू कम्प्लेक्स की ओर बढ़ रहे हैं, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग और उसके बाद है पोस्टर राइटिंग। पोस्टर राइटिंग थर्ड है पोस्टर राइटिंग के बाद पोस्टर बनाना आना चाहिए, स्पेसिफिक पोस्टर, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं इनको आप, पोस्ट राइटिंग आना चाहिए। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी शुड लर्न, इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी रादर वी कैन से। फोर्थ लेटर राइटिंग, दुर्भाग्य से या यूं कह लिए सौभाग्य से आज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने इतना विकास कर दिया है कि लेटर राइटिंग का महत्व ही बहुत कम हो गया है। हम सब कुछ अपने फ़ोन पे ही सब कुछ कह देते हैं, आज वो बातें ही खत्म हो गई हैं जो जिसमें हम कहते थे कि लेटरों का हम इंतज़ार करते रहते थे गाँव में शहरों में बैठे हुए कि आज डाकिया नहीं आया, आज पोस्टमैन नहीं आया, और वो हम इंतज़ार करते थे कोई चिट्ठी लेके आएगा, कोई लेटर लेके आएगा हमारे लिए। पर स्टिल इट्स हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस इन अवर लैंग्वेज लर्निंग, आज भी इसका लेटर राइटिंग का बड़ा महत्व है, वेदर इट इज़ अ पर्सनल लेटर राइटिंग आर एन ऑफिशियल लेटर राइटिंग आर अ कमर्शियल लेटर राइटिंग, ऑल दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू लर्न हाउ टू राइट लेटर्स। फिफ्थ पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और यू में से वी हैव गिवन अ टॉपिक वेयर वी आर टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ, दिस कॉल्ड पैराग्राफ राइटिंग। एनी सिचुएशन, एनी इवेंट, एनी सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट और इवेंट वेयर अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये पैराग्राफ राइटिंग भी आनी चाहिए। और इसको कई बार कई एग्जाम में ये देखा जाता है कि इसके इट हैज़ बीन डिलिमिटेड, कभी इतने शब्दों में आप पैराग्राफ लिखिए, वेदर इट इज राइटिंग इन 100 वर्ड्स और राइटिंग इन 150 वर्ड्स और राइटिंग इन 250 वर्ड्स, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग पैराग्राफ राइटिंग हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एंड वेरी significant competency and proficiency that we should acquire. And sixth one is a bit sophisticated one, report writing. हमें ये आना चाहिए, हर विद्यार्थी से आशा की जाती है कि उसको ये आए कि कैसे किसी घटना का, किसी स्थिति का वर्णन कैसे किया जाता है। आप देखते हैं कि क्रिकेट का मैच हो रहा है, कमेंटेटर बैठे हैं, वो हर बात की, हर घटना की, हर बॉल की, हर एक्टिविटी की वो आप बोल करके आपको बता रहे हैं, दे आर रिपोर्टिंग, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई घटना होती है उसका वर्णन कर रहे हैं, दिस इज रिपोर्टिंग। तो इस तरह से हमारे पास छः तरह की राइटिंग स्किल्स हैं दैट वी आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, दैट वी आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोफिशिएंसी देम, हमें इनके का पूरी तरह से नॉलेज हो जाना चाहिए। एंड ऑल दीज सिक्स एस्पेक्ट्स, ऑल्दो वी हैव वन मोर दैट इज स्टोरी राइटिंग, प्रीवियसली इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन अवर एग्जामिनेशन सिस्टम, बट नाउ इट हैज बीन ऑलमोस्ट डिस्कार्डेड, अभी इट हैज़ बीन अबंडेंट राजा, अभी ये लगभग छूटती जा रही है ये विधा। हालांकि हम देखते थे कि स्टोरी राइटिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है लैंग्वेज में, और छोटे छोटे बच्चे अपनी नानी के पास, दादी के पास, नाना के पास, दादा के पास बैठ जाते थे और रात को कहानियाँ सुनते थे और आनंद लेते थे। इस बात इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ये भी एक लैंग्वेज लर्निंग का स्वरूप था। स्टोरी राइटिंग इज ऑल्सो an essential proficiency in a language, पर हम इसको अभी नहीं लेंगे क्योंकि इसका हमारे सिलेबस में इतना महत्व नहीं है। कुछ
बोर्ड ने अभी रखा है थोड़ा महत्व स्पेसिफिकली फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 8th एंड क्लास 10th बट नॉट फॉर ऑल अदर्स। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं आपके साथ वो 9th से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे तैयारी की बात कर रहे हैं, 9th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों की इंग्लिश लर्निंग की बात कर रहे हैं। एंड आई एश्योर यू बच्चों कि हम ये सारी बातें बहुत बढ़िया तरह से सीखेंगे, बहुत बढ़िया तरह से नहीं, इवन अनमैचेबल फॉर्म, बिल्कुल एक अद्वितीय रूप में हम सीखेंगे। और मैं आपको ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप यदि जिस बात को भी आपके मन में कोई शंका, इफ़ यू हैव एनी डाउट एट एनी स्टेज एट एनी कंसेप्ट, सो आप मुझे फ़ोन करके कहिए। मेरा फ़ोन नंबर मैं बाद में आपको नोट कराऊंगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं फ़ोन पे, मैं उसका उत्तर दूंगा आपको। ये हमें राइटिंग स्किल की बात आनी चाहिए और ये हम आज इसके बारे में ही शुरू करेंगे, नोटिस राइटिंग की बात। इससे पहले कि हम अपना स्टडी शुरू करें, अपनी आज की टीचिंग शुरू करें, मैं थोड़ा सा और आपके साथ इंट्रोडक्टरी रूप में जुड़ना चाहूँगा। दूसरी बात जो हमें राइटिंग स्किल के बाद दूसरी चीज आती है वो है ग्रामर। हर बच्चे से आशा की जाती है कि वो जिस लैंग्वेज को सीख रहा है उसकी ग्रामर भी उसे आए, उसकी व्याकरण भी उसे आए। और जब हम व्याकरण की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थियोरेटिकल ग्रामर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग द बुकिश ग्रामर, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रामर विच इज फंक्शनल वन, विच इज प्रैक्टिकल वन, विच कैन बी यूज इन सेंटेंसेस एंड विच डेवलप्स अ हैबिट इन द लर्नर। अब लर्निंग इटसेल्फ इज अ हैबिट फॉर्मेशन। बच्चों सीखने का मतलब ये है कि ग्रामर वो शुरू इस रूप में हम सीख लें कि एक ऑटोमेटिक सी हमारे अंदर एक गुण आ जाए कि अरे ये कैसा, ये तो यहाँ तो गलत है, ये ऐसे ठीक हो सकता है, तो इसका स्वरूप ये आएगा। और यही चीज़ CBSE में विशेषकर आशा की जाती है कि बच्चों को जब वो ग्रामर का यूज कर रहे हैं, ग्रामर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो किसी टेक्स्ट के फॉर्म में, किसी पैराग्राफ के फॉर्म में, किसी एक कंटेक्स्ट के रूप में उसका यूज करें। कंटेक्चुलाइज ग्रामर कह सकते हैं हम इसको, कि किस कंटेक्स्ट में किस स्वरूप में इसको सीखा जाए। ग्रामर में हमें क्या क्या सीखना है, जो जैसे हमने बात की राइटिंग स्किल में हमने क्या क्या सीखनी है, ग्रामर में क्या क्या सीखनी है, आपके पास है टेंस, आपके पास है वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, देन मॉडल ऑक्सिलरीज, देन क्लॉजेस एंड देन डिटरमिनर्स। ये कम से कम ये 8 बातें तो हम सबको खूब अच्छी तरह से आनी चाहिए, इतनी परफेक्टली आनी चाहिए कि आप ये नहीं कि केवल आज के लिए, आगे भी जीवन में कभी किसी कंपटीशन में आप बैठे हों, कभी किसी रूप में आप बैठे हों, वहाँ पर आपको ग्रामर की ये 8 की 8 विधाएँ, ऑल दीज प्रोफिशेंसीज, ऑल दीज कॉम्पिटेंसीज, ये सारी की सारी, ये सारी विधाएँ, ये सारे बातें आपको आनी चाहिए। कौन कौन सी ग्रामर की बातें, पहली बात मैंने कही हम जैसे आरंभ की बात करते हैं, शुरू करते हैं, तो हम कहते हैं कि टेंस की बात। उसके बाद हम यदि इसके क्रम में चले तो हम कह सकते हैं आर्टिकल की बात, आर्टिकल्स आपके लिए, आर्टिकल तो बड़ी आसान चीज़ है, इसको तो ए एंड द, ये दो चीज तीनों तीन ही चीज़ें हमें आनी आती हैं, ये तो बिल्कुल सब आपको मैं जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि मोस्ट ऑफ द एरर्स इन अ लैंग्वेज लर्निंग इज कमिटेड आउट ऑफ दिस द यूज ऑफ आर्टिकल्स इवन बाई अवर लर्नर पीपल, जिसको हम कहते हैं ना बड़ा विद्वान है, फिर भी वो लिखते हुए यूज ऑफ आर्टिकल की गलती करता है, पर हमने नहीं करनी, हम यहाँ सीखेंगे ये बातें, आर्टिकल। दूसरी बात आर्टिकल्स, तीसरी वॉइसिस, चेंज ऑफ वॉइस। आपने कभी अपने टीचर से पूछा होगा या कभी आपके सामने टीचर ने बताया होगा कि हम वॉइस क्यों चेंज करते हैं, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या आ सकता है इसकी,
लैंग्वेज में हर बात का अपना महत्व है। आपको एकदम फिर इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ सरप्राइज फॉर यू के ऑल इम्प्रेसिव लैंग्वेज आउट ऑफ द होल गैमेट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के पूरे स्वरूप में से ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इम्प्रेसिव लैंग्वेज इज स्पोकन आर रिटन इन पैसिवाइज। ये 90% से भी ऊपर भाषा जो इम्प्रेसिव भाषा है वो पैसिवाइज में ही बोली जाती है। सो हमें यहाँ भी सीखेंगे हम कि हाउ टू चेंज द वॉइस। चौथी बात मैं बता रहा था कि हाउ टू चेंज द नरेशन, हमने ये भी सीखना है कि नरेशन को कैसे बदलें। प्रायः बच्चों को ये रहता है कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ है भाई नरेशन चेंज करना, तो पर मैं ही कहता हूँ कि हम जब ये करेंगे ना आप देखेंगे तो आप पाएंगे इस बात को आप कि दैट चेंज ऑफ द नरेशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश। पांचवी बात हमने सीखनी है पंक्चुएशन, और फिर ये भी कोई बात है जी, कॉमे लगाने हैं, फुल स्टॉप लगाना है, ये तो हमें सबको आता है और सीखेंगे हम। विल एनी चौल सेल्स हेयर आंसर। नेक्स्ट है वी विल लर्न मॉडल ऑक्जरी, यूज ऑफ मॉडल ऑक्जरीज, मॉडल ऑक्जरीज की बात हम सीखेंगे कैसे इसका प्रयोग करना है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ क्लॉजेज, कि डिफरेंट क्लॉजेज को हम कैसे यूज करते हैं और किस प्रकार से हम करेंगे, अलग अलग क्लॉजेज का स्वरूप कैसे होगा हमारे सामने और कैसे उसका उसको ट्रांसफर ऑफ क्लॉजेज और कैसे उसका ठीक प्रयोग करना सीखेंगे। और लास्ट में होगा हमारे पास डिटर्मिनर्स, ये सारी बातें ग्रामर में हम सीखेंगे। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम ये देखने के आगे हमने करना क्या है, वेयर वी आर टू गो, हमने जाना कहाँ है। तीसरी बात हमारे सामने होगी ग्रामर के बाद कॉम्प्रिहेंशन की बात, बच्चों हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सारी सीखेंगे और उसमें भी स्पेसिफिकली कॉम्प्रिहेंशन आउट ऑफ अनसीन पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक पैसेज, हम ये सीखेंगे और इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके साथ ही एक चीज़ और जुड़ी हुई है, वेयर वी आर टू लर्न एंड अ सॉर्ट ऑफ अ बिट हायर प्रोफिशिएंसी, दैट इज नोट मेकिंग, आर यू मे से इन हायर फॉर्म वी कैन से प्रेसिज राइटिंग, इसके कम्प्रिहेंशन का ही एक भाग है जो हमें आना चाहिए, प्रेसिज राइटिंग या नोट मेकिंग ये भी हमें आना चाहिए। फोर्थ है हमारे पास जिसको आप कहेंगे जो सबसे पहले लिखना चाहिए था, ये तो हमारी टेक्स्ट बुक्स, हमारी टेक्स्ट बुक की बात है। जो हम प्राय टीचर हमारे इसको ही मेन बस अपना केंद्र बिंदु मान लेते हैं कि बस यही चीज़ है, अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मुझे केवल टेक्स्ट बुक पढ़ानी है और टेक्स्ट बुक भी देखी कि ना ट्रांसलेशन फॉर्म, पढ़ी उसकी हिंदी कर दी, पढ़ी हिंदी कर दी, वी लर्न इट इन सम अदर फॉर्म, हम इसको दूसरे रूप में सीखेंगे और ये होगा टेक्स्ट बुक। अब काम की बात आती है, और मैं बात कर रहा हूँ 9th, 10th, 11th, 12th या 8th का बच्चा भी जुड़ सकता है या और कोई बच्चा जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है या कोई और जुड़ना चाहे जुड़ सकता है या कोई और स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द क्लासेस ऑफ आईलेट वो भी जुड़ सकता है। मैं ये बता दूं कि ये सारी बातें हम यहाँ करेंगे, सीखेंगे, बड़े मज़े से सीखेंगे, जॉयफुल फॉर्म में सीखेंगे, हंसते हंसते बातें करते करते सीखेंगे और साथ में हमारे सभी वर्ग के बच्चे सीखेंगे जॉइंटली। केवल ये चीज़ होगी जिसको हम थोड़ा सा सेपरेटली डील करेंगे, सेपरेटली का मतलब मेरा यह है
नाइन्थ की टेक्स्ट बुक है तो नाइन्थ वाले बच्चे ही उसको अटेंड करेंगे, टेंथ की टेक्स्ट बुक है तो टेंथ के बच्चे स्टूडेंट ही उसको अटेंड करेंगे, इलेवंथ की टेक्स्ट बुक है तो इलेवंथ के बच्चे उसको अटेंड करेंगे, और ट्वेल्थ की टेक्स्ट बुक है तो ट्वेल्थ का बच्चा ही उसको अटेंड करेंगे। राइट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे? जो मैं क्या तुम्हें कहना चाहता हूँ, ये बात आपके समझ में आई? इनिशियली आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट विद यू बाइलिंगुअली, दो भाषा के रूप में, हिंदी भी इंग्लिश भी, हमारी हरियाणवी भी, हम इस तरह से जुड़ करके चलेंगे, लेकिन आई वुड लाइक दैट वी शुड ऑल विजुअलाइज टू शिफ्ट अवर सेल्व्स इन टू ओनली थ्रू लर्निंग इंग्लिश बाई इंग्लिश ओनली, लर्निंग इंग्लिश बाई स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश, बाई लिसनिंग ऑफ इंग्लिश, बाई reading of English and by writing of English. Understand? Then I would think that it will be the real achievement on our part and learning of a foreign language. Right, bachcho? Aaj ke is mein basically maine jo bataya aapko ke hamara swaroop kya hai bhasha seekhne ka, hum kya kya seekhenge aur hum ye seekhenge bahut badhiya tarah se bilkul aapki satisfaction tak. हर बच्चा यदि चाव से इंटरेस्ट लेकर के मेरी बात सुनेगा, बैठेगा, तो मैं दावे से कहता हूँ, आई अश्योर यू, मैं एकदम दावे से कहता हूँ कि तुम लोग एक बहुत बढ़िया इंग्लिश लर्नर के रूप में उभरोगे। सो आर यू रेडी टू लर्न? शुड वी स्टार्ट? करें शुरू? आइए अब करते हैं शुरू। पहला हमारा, हम राइटिंग स्किल से शुरू करते हैं। राइटिंग स्किल में मैंने जैसे लिखा है इसी क्रम में हम चलेंगे, पर बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास केवल राइटिंग स्किल नहीं है, हमने ग्रामर भी करनी है, हमने कंप्रिहेंशन भी करनी है, हमने टेक्स्ट बुक भी करनी है। सो टुडेज टॉपिक इज नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग की बात हम करें आज। देखिए, जब हम कहते हैं नोटिस राइटिंग, क्या होता है नोटिस राइटिंग, पहले थोड़ा सा इसकी समझ तो नहीं, नोटिस राइटिंग क्या है? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें सबको बतानी पड़ती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम हर एक के कान में जाकर के कहेंगे कि भाई ये बात है, हम ये कहेंगे ये बात है। हम अपने स्कूल में, हमारा नोटिस बोर्ड होता है, वी हैव अ नोटिस बोर्ड, एंड एनी इंफॉर्मेशन दैट वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट, दैट वी वॉन्ट टू शेयर, वी राइट ऑन अवर स्कूल नोटिस बोर्ड, और इफ देर इज अ पब्लिक नोटिस बोर्ड लाइक वी हैव इन फ्रंट ऑफ द पंचायत भवन, और इन फ्रंट ऑफ द म्यूनिसिपल हॉल, और इन फ्रंट ऑफ सम एनी इम्पोर्टेंट कॉर्नर, देयर आल्सो वी हैव नोटिस बोर्ड्स, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू राइट नोटिस वट एवर वी वॉन्ट टू कन्वे, वी वॉन्ट ऑल टू शेयर द इंफॉर्मेशन, we write in the form of notice writing on that place or on that board. आज का हम सबसे important वो topic लेके चल रहे हैं जिसको मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चों ने तो इसका बारे में पता भी है, लिखा भी होगा। हमारा आज का topic होगा, सुन लीजिए एक बार, पहले मैं आपको पहले इसका क्या लिखने जा रहे हैं उसका एक स्वरूप आपके सामने रखा हूँ। व्हाट वी फाइंड इन अवर क्वेश्चन पेपर्स, सपोज यू आर मिस्टर ए, द स्टूडेंट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यू कैन राइट दिस दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक्स आल्सो। सपोज यू आर मिस्टर ए, द स्टूडेंट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, ड्यूरिंग दिस COVID-19 spread, we want to acknowledge all the students and the teachers of our school to know the appropriate behavioral pattern to be observed, to be followed by all the students and all the teachers of our school to save ourselves from this epidemic.
फ्रॉम दिस डिजीज। क्या कहा मैंने, क्या प्रश्न रखा है? मान लीजिए आपका नाम है मिस्टर ए या मिस ए, वी हैव अ स्टूडेंट्स। इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, मैं ये भी आशा करूँगा कि जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है वो प्लीज़ अपनी बताए कि भाई मैं इस नाम का व्यक्ति, इस नाम का बच्चा, इस क्लास का बच्चा, इस गांव का बच्चा या इस शहर का बच्चा, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और वो मुझे फ़ोन करके भी बता सकता है और वो पूछ भी सकता है कोई भी डाउट उसके मन में हो तो ये ध्यान रखिए। मैंने कहा है कि आज के हमारा टॉपिक क्या रहेगा, नोटिस राइटिंग होगा। और नोटिस राइटिंग में हमारा पहला नोटिस होगा कि आप ये मान करके चलें कि आप मिस्टर ए या मिस ए हैं, आप स्कूल के स्टूडेंट सेक्रेटरी हैं, आप आज की स्थिति में कोविड 19 की स्थिति में, हम जैसे कहते हैं कि डेल्टा एपिडेमिक की स्थिति में, हम ये मानते हैं कि हर टीचर को, हर विद्यार्थी को कोविड 19 एप्रोप्रिएट बिहेवियरल पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहिए कि कोविड 19 के फैलाव से अपने आप को बचाने के लिए हमें किन किन बातों का पालन करना चाहिए। ये बात आप अपने टीचर्स को, आप अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं बोर्ड पर लिख करके, क्योंकि और बिकॉज इट इज सपोज दैट यू आर द स्टूडेंट सेक्रेटरी, ये माना जाता है कि आप स्टूडेंट सेक्रेटरी हैं और स्टूडेंट सेक्रेटरी होने के नाते आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप सभी विद्यार्थियों को, अपने स्कूल के सभी टीचर्स को, दूसरे मेंबर्स ऑफ स्टाफ जितने भी हैं, मेंबर्स ऑफ स्टाफ का मतलब मेरा वो भी आ जाते हैं जो क्लास फोर्थ हैं या जो क्लॉक हैं और योर कैशियर है और एनी बड़ी रिलेटेड टू योर स्कूल सिस्टम, उन सबको आप बताना चाहते हैं कि आप इन बिहेवियरल पैटर्न का ऑब्जर्व करें, इन बिहेवियरल पैटर्न को फॉलो करें, जिससे हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकें। सो हाउ टू राइट द नोटिस, मेरी फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूँ आपके सामने। आज की आपकी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, सपोज यू आर मिस्टर ए और मिस ए, द स्टूडेंट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यू वॉन्ट टू इन्फॉर्म योर टीचर्स एंड your all the students of your school about the importance of observing the COVID-19 appropriate behavioral pattern in their lives। ये आप आज का हमारा प्रश्न होगा। और I hope कल को कोई भी एग्जाम आपके सामने आए, whether it's of 9th, 10th, 11th or 12th or even of any competition examination, it will be the most important topic because puri duniya isse jooj rahi hai, the whole world is struggling against it। Subhagya hai ki hum Bharat mein isko do baar is par vijay pa chuke hain, ab bhi hum vijay ke bilkul kagar par khade hain aur ye hamare netritva ka chamatkar hai। Aaiye, उसके साथ साथ हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम कैसे व्यवहार करें। आप एज अ स्टूडेंट लीडर, इट्स बिकम्स योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द टीचर्स थ्रू दिस नोटिस राइटिंग ऑफ ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड। क्या आपके स्कूल नोटिस बोर्ड पर आप कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं और लिख के देखते हैं कैसे, इसके क्या क्या स्टेप हैं, कैसे हम फॉलो करते हैं, क्या किस लैंग्वेज में इसको करते हैं। हमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी वो है, आरंभ हम इससे कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि एक ये सिंपल फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेंसी है एंड वी शुड लर्न इट। हम इस गुण को हम सीखें। हम इसमें चार स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले हम नोटिस जब लिखते हैं तो सबसे पहले उस संस्था का नाम लिखते हैं जो, जिस संस्था की तरफ से ये नोटिस दिया जा रहा है। दैट कुड बी योर स्कूल, that could be if it's a panchayat, that could be a name of the panchayat, if it's a municipal
committee office, that could be a municipality office. If it's a deputy commissioner office, it should be the mentioning of the commissioner name. All these, I mean to say, जहाँ से भी बैठ के आप ये नोट्स लिख रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम लिखिए, और ये नाम आपने कैपिटल में लिखना है. सेकेंडली, दूसरी चीज, आपने उससे नीचे होगा नोटिस, केवल नोटिस सेकेंड लाइन में, वो भी कैपिटल में, NOTICE नोटिस. थर्ड आपने लिखना है टाइटल ऑफ योर इंफॉर्मेशन, आपने जो इंफॉर्मेशन देनी है नोटिस में, उसका शीर्षक, उसका मुखड़ा कहते हैं जिसको हम कहते हैं, ऊपर का उसका हेडिंग आप दिखेंगे. और जैसे हम ये कहेंगे कि हमारा यहाँ आज का हेडिंग क्या होगा, COVID-19 बिहेवियरल पैटर्न, ये आज का हमारा होगा, ये भी हमने कैपिटल में लिखना है. फिर चौथी लाइन में हमारे राइट साइड में हमने डेट डालनी है, आज की डेट कैसे क्या से लिखेंगे आप, June 5, 2021, ये आप लिखेंगे लेफ्ट साइड में. फिर हमारा मेन टेक्स्ट शुरू हो जाता है, जहां हम प्रयत्न करें, बहुत आवश्यक है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एरर्स, अ वेरी डिस्टर्बिंग एरर्स इन अवर टेक्स्ट बुक्स और इन अवर हेल्प बुक्स, दैट नोटिस इन नोटिस राइटिंग दैट इट इज स्टार्टेड विद फर्स्ट पर्सन. नो, वी आर रिक्वायर्ड टू राइट इट इन ऑलवेज इन अ थर्ड पर्सन फॉर्म. हम यहाँ पर वो टेक्स्ट भी लिखेंगे, बहुत छोटा सा टेक्स्ट होता है, बहुत छोटा सा, 50-60 वर्ड्स में, बस इतना सा, चाहे वो 9th है, चाहे 10th है, चाहे 11th है, 12th, सब में ये 50-60 वर्ड्स का ही एक टेक्स्ट होता है. और फिर नीचे हम अपना नाम लिखेंगे, अपनी डेजिग्नेशन लिखेंगे, बस ये हमारा स्वरूप है जो हमें एक नोटिस राइटिंग में आना चाहिए. डू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई वट आई वॉन्ट टू कन्वे. अब आइए लिख के देखते हैं आज का हमारा ये नोटिस, जो अभी मैंने बताया था क्या नोटिस है ये. फिर बिफोर स्टार्टिंग इट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. Suppose you are Mr. A or Miss A, the student secretary of your school. You want to inform your students and the members of staff about the importance of observing COVID-19 appropriate behavior. So let's write it here. हम सबसे पहले ऊपर नाम लिखें, अपने स्कूल का नाम लिखें. हमारे दो स्कूलों के बच्चे जुड़ गए हैं, मैं देख रहा हूँ कि हमारे दो स्कूलों के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में जुड़ गए हैं. इट्स माय प्लेजर, बहुत खुशी की बात है. एंड कंग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड इट. नाउ हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपने स्कूल का नाम. क्या लिखेंगे हम अपने स्कूल का नाम, हमारे दोनों स्कूलों का, चाहे त्रावड़ी का है चाहे हथीरा का है, दोनों स्कूलों का नाम है श्री ब्रह्म ऋषि विद्या मंदिर. सो आप शुरू ऊपर बच्चों लिखेंगे यहाँ कैपिटल में श्री ब्रह्म ऋषि विद्या मंदिर अगर हमारे हथीरा के बच्चे हैं तो हथीरा लिखेंगे, और त्रावड़ी के बच्चे हैं तो त्रावड़ी लिखेंगे. ये सारे के सारे, ये आप ध्यान रखेंगे इसको कि ये सारे कैपिटल में होने चाहिए. पहली लाइन हमारी, सबसे पहले हमने ये ऐसे लिखनी है नोटिस राइटिंग में. सेकंड, नेक्स्ट, मैंने जैसे मैंने बताया था, हम नेक्स्ट लिखेंगे अगली लाइन में नोटिस.
कैपिटल में NOTICE नोटिस, राइट। थर्ड हम लिखेंगे, तीसरी लाइन हम लिखेंगे हमारा हेडिंग टॉपिक, टॉपिक जो विषय वस्तु है हमारी, जो इन्फॉर्मेशन का हमारा केंद्र है, आज हमने किस चीज़ पर इंफॉर्मेशन देनी है उसका नाम लिखेंगे। क्या होगा आज इसका? COVID-19 बिहेवियरल पैटर्न, हम लिखेंगे ये भी कैपिटल में, COVID-19 बिहेवियरल पैटर्न, BEHAVOURAL, BIOURAL, पैटर्न, तो ये हो गया हमारा COVID-19 बिहेवियर में। ये हमारे सामने एक बड़ी विडंबना होती है, अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें जो हमारे कंप्यूटर पे होती है तो वहाँ यू नहीं आता, हम यदि पर हम यहाँ भारत में हमसे आशा की जाती है कि हम ब्रिटिश इंग्लिश को सीखें, RP को सीखें, और उसमें VIOURAL होता है। तो हमारी स्पेलिंग का ध्यान रखें, BEHAVIOURAL बिहेवियरल पैटर्न। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा, जो जिसकी हमने हेडिंग है हमारे विषय की। और लेफ्ट साइड में अब नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे आज की डेट। डेट क्या है आज की? जून, ये कैपिटल होगा हमारा, जून 5, 2021। ये तो आप ये मान के चले, कोई भी नोटिस आपने लिखना हो, आप ऊपर की ये चार बातें तो हर हालत में इसको आपने लिखना है। चार बातों का मतलब है, पहली लाइन में आपने उस संस्था का नाम लिखना है जहाँ जो संस्था के नोटिस बोर्ड को आप यूज़ कर रहे हैं, दूसरी लाइन आपने नोटिस लिखना है, तीसरी लाइन आपने हेडिंग देना है अपने विषय वस्तु का। ये तीनों बातें आपने कैपिटल वर्ड में लिखनी है, और चौथी बात आपने डेट डालनी है ये लेफ्ट साइड में करके। एक बच्चा कह रहा है कि भाई सिद्धार्थ कि आपका ये जो कैमरा है ये ब्लर्ड हो गया है। सिद्धार्थ कैन यू हेल्प मी, ये यहाँ पर विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। नेक्स्ट आप ये इतना लिखने बाद अब आइए, अब हम शुरू करते हैं हमारा बेसिक टेक्स्ट, हमारा मुख्य टेक्स्ट क्या होगा। आइए लिखते हैं, कैन आई रब इट, क्या मैं इसको हटा सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि बोर्ड पे छोटे स्पेस है हमारे पास। तो हम इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इसको चाहते हैं कि रब कर दें। डू अलाउ मी टू रब इट, आइए लिखते हैं इसको, हम देखें। एक बहुत सिंपल सा, पहले लेट मी स्पीक बिफोर यू। कुछ बच्चे ये शिकायत कर रहे हैं तो हमें आगे जो लिखा हुआ है पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक प्रकार से समझ में नहीं आ रहा, इसको सर आप इम्प्रूव करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप इम्प्रूव नहीं करते। तो मैं उनके लिए, उन बच्चों के लिए, उनकी सुविधा के लिए मैं वर्बली पहले स्पोकन फॉर्म में आपके सामने रख रहा हूँ। हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स, ये कोई देवेंद्र कुमार है,
जो ये प्रॉब्लम दिखा रहा है कि भाई उसको समस्या आ रही है, देख नहीं पा रहा वो, तो उसके लिए ये सुविधा रहेगी। मैं फिर एक बार उसके लिए रिपीट कर रहा हूँ और वो ध्यान दे, मैं धीरे से बोलूँगा। पहले नोटिस राइटिंग करते हुए सबसे पहले आप अपनी उस संस्था का नाम कैपिटल में लिखिए, फॉलो। सेकंड, फिर आप लिखिए नोटिस अगली लाइन में कैपिटल में, NOTIC, नोटिस। तीसरी लाइन में नीचे आ जाइए, कैपिटल में लिखेंगे आप COVID-19 बिहेवियरल पैटर्न, फॉलो। समझ में आई बात? अब तो नहीं आप कहेंगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। चौथी बात, लेफ्ट साइड में चौथी लाइन में नीचे आ जाइए आप, लाइन में लेफ्ट साइड में लिखेंगे June 5, 2021, इट मींस डेट ऑफ दैट डे, जिस दिन हम कर रहे हैं उसकी डेट। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट शुरू होता है, उसके पहले मैं आपको वर्बली बोल के बता रहा हूँ, जरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। ऑल द, आप ऐसे ही शुरू करेंगे, बिल्कुल एकदम ऐसे शुरू करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टाफ ऑफ आवर स्कूल आर डिजायर्ड टू फॉलो COVID-19 बिहेवियरल पैटर्न टू सेव आवर सेल्स फ्रॉम दिस एपिडेमिक। एक बार अगेन आई एम रिपीटिंग इट, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इसको। ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टाफ ऑफ आवर स्कूल आर डिजायर्ड टू फॉलो COVID-19 essential behavioral pattern to save ourselves from this fatal disease। ये पहला वाक्य होगा आपका। दूसरे वाक्य में these essential behavioral pattern must be लिख लीजिए या shall be, number one, cover your mouth and nose with appropriate mask। first, पहले ही हमारी जो लिखेंगे हम लिखेंगे we must cover our mouth and nose properly